चलो देखो सूचकांक वाला आधा हुआ था है ना तो उसका क्या एक टेबल देख लेते हैं क्वेश्चन यही से बनता है ठीक देखो क्या बोल रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक ठीक है वैश्विक नवाचार सूचकांक इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है पहले ये देख लेना इसमें क्वेश्चन ये पूछता है जैसे ये वाला इंडेक्स दे देगा कि इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है ठीक पहला क्वेश्चन ये बनेगा या दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनेगा कि जो इंडेक्स देगा उसमें जो टॉप की कंट्री है वो कौन सी आती है ठीक है तो इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट होगा कितना दो एक तो उसमें भारत का स्थान पूछेगा और क्या पूछेगा जो टॉप की कंट्री है उसका कौन सा स्थान है ठीक है समझ में आया तो देखो पहला वाला क्या है वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है खाए हो कि नहीं लंच किए हो तो आवाज कैसे नहीं निकल रहा है बोलो चलो क्या है पहला गुड क्या है वैश्विक नवाचार सूचकांक तो देखो याद कैसे करोगे कौन सा क्रम का है चालीसवां क्रम का और टॉप की कंट्री कौन है स्विट्जरलैंड टॉप की कंट्री क्या है तो देखो नवाचार में चार आ थे छत्तीसगढ़िया ऐसे बोलेंगे ना तो नवाचार में क्या आ रहा है चार चार से याद हो जाएगा चालीस तो नवाचार सूचकांक में क्या चालीस और कुछ भी नवाचार मतलब नया नया चीज है ना तो नया नया चीज पहले पहले क्या लगता है स्वीट लगता है ठीक है फिर कुछ दिन के बाद असलियत पता चलती है ठीक तो वही बोल रहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक है ना तो नवाचार से चार से क्या चालीस और क्या नया, नया नया चीज स्वीट लगता है स्वीट लगता है से स्विटरलैंड याद हुआ स्वीट से क्या स्विट्जरलैंड याद हुआ वो वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने रिलीज किया या किसने पब्लिश किया तीन टेबल आप लोग को याद रखना है तो पहला टेबल याद हुआ दूसरा देखो दूसरा इंडेक्स क्या है वैश्विक भूखमरी सूचकांगश्विक भूखमरी तो भूखमरी से क्या याद रखोगे बेलारूस भूखमरी से क्या याद रखोगे बेलारूस उसका रैंक क्या है भारत का 111 याद हुआ नहीं हुआ तो देखो भूखमरी यानी कि भूख से मर रहा है है ना तो भूख से मरने नहीं देना है उसको तो क्या खिलाना है बेल खिलाना है, ठीक क्या खिलाओगे बेल और किसी को भी नहीं छोड़ोगे मतलब सबको किसी को भी मरने नहीं दोगे भूख से एक एक लोग को क्या खिलाओगे बेल खिलाओगे याद हुआ भूख से किसी को मरने नहीं दोगे और क्या खिलाओगे एक एक लोगों को बेल खिलाओगे याद हुआ तो भूखमरी में क्या एक एक लोग को खिलाना है मतलब एक 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 रैंक किसका भारत का और क्या क्या खिलाओगे बेल बेल से बेलारूस याद हुआ दो इससे पहले क्या देखे थे नवाचार नवाचार में क्या आ रहा है चार चार से चालीस चार से चालीस तो रैंक इसका कितना है चालीस ठीक है और फिर क्या उसका टॉप कंट्री क्या स्विट्जरलैंड ठीक है तो नया नया चीज क्या? अच्छा लगता है, स्वीट लगता है, है, स्वीट याद हुआ? अब दूसरा देखो, क्या बोल वैश्विक सूचकांक तो भूख से क्या किसी को मरने नहीं देना है और क्या खिलाना है बेल खिलाना एक एक लोगों को एक एक लोगों से क्या याद करोगे एक एक, एक. याद हुआ दो चीज अब देखो क्या विश्व प्रसन्नता सूचकांक या उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं क्वेश्चन बनता है ये वाला क्या हैप्पीनेस इंडेक्स को पूछता है ठीक है तो देखो क्या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है 126 टॉप की कंट्री कौन है फिनलैंड ठीक है तो क्या याद रखोगे प्रसन्नता प्रसन्नता से क्या एकदम खुशी वाला है ना तो फील करोगे एकदम आज बहुत खुश हूं क्या करोगे फील करोगे फील करोगे से क्या फिनलैंड फील करोगे से क्या याद रखना फिनलैंड ठीक है और क्यों क्योंकि आप क्रिकेटर हो क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या हमेशा हर बॉल पे छक्का छक्का मारोगे तो छह दुनी बारह होता है ना छुनी बारह लगातार दो छक्का मारो तो क्या एक सौ छब्बीस ठीक याद कैसे करोगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक एकदम हैप्पी हो क्यों हैप्पी हो क्योंकि आज ने आप बहुत रन बनाया है कौन कौन सा छक्का छक्का मारा है तो एक सौ छब्बीस है ना दो बार सिक्स मारोगे तो क्या छह दुनी बारह याद हुआ एक सौ छब्बीस और क्या कर रहे हो फील कर रहे हो क्या हैप्पीनेस वाला तो ये वाला याद हुआ हुआ ना सबको अब देखो फिर क्या है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक क्या है इंटरराष्ट्र बौद्धिक सूचकांक भारत का रैंक कितना है फोर्टी टू और टॉप देश है अमेरिका ठीक तो बुद्धि सबसे ज्यादा किसका रहता है अमेरिका वालों का है ना क्या याद रखोगे बुद्धि सबसे ज्यादा किसका रहता है अमेरिका वालों का ठीक तो किसी को भी वो दो चार दे देते हैं क्या सलाह देते हैं ना दो चार लाख क्या दे देते हैं सलाह दे देते हैं तो अमेरिका वाले क्या देते हैं हमेशा दो चार सलाह देते हैं हमेशा दो चार क्या देते हैं सलाह देते तो दो चार से चार दो याद हुआ दो चार से चार दो बयालीसवां किसका ही है भारत का भारत का रैंक ठीक अगला देखो क्या जलवायु वाला क्लाइमेट चेंज वाला क्लाइमेट चेंज से दो तीन फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा क्लाइमेट चेंज वाला कंगूजम वाला याद होगा पहला लेक्चर है ना तो उसी में देखो हम लोग का भारत का क्रम कौन सा है सातवां और फोर्थ कंट्री कौन है अब इसमें से पहला दूसरा तीसरा क्या है बोलोगे है ना तो पहला दूसरा और तीसरा क्राइटेरिया किसी को नहीं दिया गया है इसका रीजन ये है कि उसमें जो क्राइटेरिया रहता है पॉइंट रहता है उस पॉइंट के हिसाब से उस क्राइटेरिया के हिसाब से इन लोग को रैंक दे दिया जाता है तो ऐसा कुछ एक दो टर्म एंड कंडीशन था जिसको किसी कंट्री ने फॉलो नहीं किया था क्या बोल रहा हूँ एक दो ऐसा टर्म एंड कंडीशन रहेगा जिसको किसी कंट्री ने फॉलो नहीं किया था ठीक है तो इसीलिए पहला दूसरा और तीसरा रैंक इसमें नहीं है कौन सा रैंक याद करना है आपको फोर्थ रैंक उसमें क्या डेनमार्क ठीक है तो चौथा रैंक या चौथा चार मार्क लाया है ऐसे याद करोगे मार्क मतलब क्या होता है नंबर होता है ना कितना मार्क्स आया है तेरा ऐसा बोलते ना तो चार ठीक है पहला दूसरा और तीसरा किसी का नहीं आया है तो टॉप की कंट्री क्या याद रखोगे डेनमार्क किसमें क्लाइमेट चेंज में ठीक है और भारत का क्या है सात ये पास में है इसीलिए ऐसे ही याद रखना है इसको चार तीन सात वाला चार पाँच छः सात ठीक है याद हुआ सबको क्लाइमेट चेंज वाला क्या है डेनमार्क कौन से रैंक का है चौथा ठीक और भारत का कौन सा रैंक है पहला, दूसरा और तीसरा नहीं किया था, चौथा रैंक किसको दिया गया है डेनमार्क ठीक क्लियर और भारत का रैंक क्या है सातवां एक बार देख लें फिर से इंडेक्स पूरा पूरा बोलते जाना ठीक है देखो सबसे पहले क्या देखे थे हम लोगों ने नवाचार तो याद कैसे किए थे चार से चार से चालीस टॉप कंट्री कौन सी है नया नया चीज सब स्वीट लगता है तो स्विट्जरलैंड फिर उसके बाद क्या भूखमरी सूचकांक देखे क्या देखे भूखमरी तो भूखमरी से भूख से मर रहा है लेकिन इसको क्या बेल खिलाना है तो किसको खिलाना है एक एक लोगों को एक एक को खिलाना मतलब एक सौ ग्यारह क्या है बेलारो याद हुआ हैप्पीनेस वाला देखे तो हैप्पी एकदम फील कर रहे हैं है ना छक्का मार के तो ठीक है फिर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक सूचका है ना तो बौद्धिक से बुद्धि किसका तेज अमेरिका का और वो क्या करते हैं हमेशा सलाह बांटते रहते हैं तो दो चार सलाह एकदम हमेशा बांटेगा तो दो चार से क्या याद रखोगे चार दो।, दो चार से क्या याद रखोगे चार दो फिर एक क्लाइमेट चेंज या जलवायु का आएगा कितना डेनमार्क और भारत का रैंक कौन सा है सातवां सातवादाई इंडेक्स ठीक तो क्वेश्चन बनेगा इसी इंडेक्स से देख लेना एक बार इसको अच्छे से याद करना अपने से यहीं पे वो लिखा है कि एक से तीन तक क्या कोई भी रैंक नहीं हासिल किए थे इसीलिए दिया गया है पिछले साल भारत का कौन सा नंबर था आठवां इस साल कितना है तो एक क्या क्या ये चार क्या अपने रैंक में ठीक हुआ तो इंडेक्स वाला या सूचकांक वाला जितना था पिछला लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है ना उसका कुछ पार्ट बचा था तो यहाँ से क्या सूचकांक वाला चैप्टर खत्म होता है ठीक आज से क्या स्टार्ट करेंगे फिर से देखो संविधान संविधान में भी क्या पूछेगा जैसे कुछ कुछ न्यूज जो रहती है ठीक है करंट में उससे रिलेटेड है आपको क्या करता है क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक तो सूचकांक वाला चैप्टर याद नहीं आ रहा होगा तो पिछला वाला लेक्चर देखना एक बार है ना तो सूचकांक वाला वहां से एक देख लेना अभी तक ये सूचकांक इंडेक्स पूछता है यहाँ से क्वेश्चन ठीक तो दोनों को समाप्त कर लेना और लास्ट में जब हम लोग मैराथन क्लास लेंगे तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा ठीक है सब जितने भी पीडीएफ हैं शुरू से लेके आखिरी तक सबको कंपाइल करेंगे फिर उसको क्या करेंगे देखेंगे ठीक है ठीक तो जिसके में शक्ति हो ताकत हो तीन चार घंटे बैठने का वो आना उस क्लास में ठीक है अब देखो क्या कौन सा कानून बोल रहा है यूएपीए कानून के तहत मामला कौन कौन सा दर्ज हुआ है ठीक अब ऐसा घटना क्या हुआ था कि जो सुरक्षा वाला एक न्यूज सुने हो कि पीएम का जो रोड जा, मतलब रोड वाला था उसमें क्या कुछ लीकेज हो गया था करके ओवरब्रिज में रुके थे पीएम कुछ याद होगा है ना तो वही वाला मामला तो ऐसे सुरक्षा वाला जितना भी मामला रहता है उसमें क्या चूक हो गई थी जो भी सुरक्षा वाला मामला रहेगा उसमें क्या हो जाएगा चूक हो जाएगा तो जब चूक हुआ तो उसका फिर जो चूक हुआ है उसका क्या करेंगे ये लोग जांच करेंगे कि क्यों हुआ था कैसे हुआ था ठीक है तो मामला जो है जो हैंडल कर रहा था उससे लेकर के फिर किसको देंगे सीआरपीएफ को देंगे क्या सीआरपीएफ को सिनारियो समझो सुरक्षा में क्या हुआ गड़बड़ी हुआ गड़बड़ी के बाद फिर क्या किए जांच किए जांच किए तो मामला जो है वो दिल्ली पुलिस से लेकर के किसको दिए सीआरपीएफ ठीक समझ में आया तो उसी से संबंधित एक कानून बना था कौन सा UA, कानून ठीक है क्या है देखो संसद सुरक्षा में सेंध करने वाले चार आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत क्या किया इनके ऊपर मामला दर्ज किया है ना रिलेट करवाने के लिए कैसे याद किया था जैसे सुरक्षा पीएम मोदी का था तो उसके सुरक्षा में क्या हुआ था सेंध हुआ था सेंध लगा दिए थे तो उसी टाइप से क्या संसद सुरक्षा में भी क्या हुआ था यहाँ पे एक वेब सीरीज भी देखे हो वो वाला क्या बोलते हैं के के मैन का पहला क्या आया था जो भी है नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को ठीक है तो उसमें देखना संसद भवन में क्या क्या करते है? करते हैं हैं अटैक है ना क्या था याद नहीं आ है? जो भी है तो उसमें देखना एक क्या पिक्चर भी देखते हो यार छब्बीस ग्यारह अटैक ये सब कुछ भी देखते हो तो देखना उसमें संसद को हमेशा क्या रखते हैं टारगेट में रखते हैं कि पार्लियामेंट को उड़ाना है ये सब करते हैं ना तो इस बार भी क्या थोड़ा सा चूक हो गया था किसमें सुरक्षा में सुरक्षा का जो घेरा था उसमें सेंध लग गया था तो वहां घुस के घुस गए थे घुसपैठी लोग न्यूज में भी रहा था ये वाला सुने हो देखे हो तो है ना तो उसके तहत फिर क्या यूए कानून के तहत क्या किया गया इनके ऊपर कार्रवाई की गई फिर कार्रवाई जब की तो उसके लिए जांच कमेटी बैठाएंगे है ना कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए क्या बनाएंगे जांच कमिटी बैठाएंगे तो जांच कमिटी में किसी का कोई हेड भी रहेगा है ना जांच कमेटी में कोई हेड भी रहता है तो उसमें कौन है अनिश दयाल सिंह किसके सी के महानिदेशक कौन है अनिश दयाल सिंह तो फैक्ट याद कराने की कोशिश क्या कर रहा हूँ मैं कि जो सीआरपीएफ है वहां क्या करेंगे वो लोग चार्ज को दिल्ली पुलिस से अपने पास लेंगे ठीक है लेकिन उसके महानिदेशक का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा अनिश दयाल सिंह याद कैसे करोगे देखो संसद में क्या बहुत सारे क्या बैठे हैं मंत्री लोग बैठे हैं तो उनको कुछ हानि हो जाएगा तो उनके आप आपको क्या दया आएगा ना है ना दया आएगा ठीक है तो दया आएगा से क्या रखना दयाल सिंह समझ रहा हूँ आप लोग की भावनाओं को लेकिन याद करने के लिए हिसाब से बोल रहा हूँ क्या दया आएगा ठीक है मान लेना ऐसा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा फिर तो क्या बोल रहा हूं मैं अनिश दयाल सिंह ठीक है किसके सीआरपीएफ के महानिदेशक नाम याद हुआ आप लोग को कैसे याद रखना है जैसे संसद में अटैक कर रहे हैं तो कुछ हानि न हो जाए है ना अगर हानि हो जाता है तो क्या उसके ऊपर दया दृष्टि दिखाओगे दया से क्या याद रखना दयाल दया से क्या याद रखोगे दयाल तो दयाल से क्या अनिश दयाल सिंह ठीक है अब इस ये क्या किया नेतृत्व किया जांच का जांच किया जो मामले में त्रुटि हुई थी है ना फिर क्या ट्रांसफर किया गया किससे बोल रहा हूं मैं दिल्ली पुलिस से किसको दिया गया सीआरपीएफ को दे दिया गया मामला किसको दे दिया गया सीआरपीएफ तो सिनारियो समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे एक घटना हुआ ठीक संसद में तो उस घटना से फिर जांच कमिटी बैठा है जांच कमेटी में यह तय हुआ कि मामला जो है दिल्ली पुलिस से कहा जाएगा, जाएगा सीआरपीएफ के पास और सीआरपीएफ के पास गया तो इसके जो महानिदेशक है वो किसको बनाया गया दया आएगा दया से क्या याद रखना अनिश दयाल सिंह पहला पॉइंट समझ में आया क्लियर ठीक है अब देखो एक मामला आया था क्या जो सांसद लोग हैं उनको क्या किया जाता था वहां पे ठीक क्या उनको निलंबित किया जाता था मामला याद होगा आप लोग को कौन कौन सा वाला राहुल गांधी वाला था कि मोदी नाम को लेकर के सरनेम को लेकर के उसने कुछ कुछ टिप्पणी किया था तो उसको कितने दो साल की सजा है ना और पंद्रह हजार रुपया जुर्माना हुआ था याद है कुछ नहीं होगा तो देख लेंगे इसमें ठीक है आराम से समझना देखो तो जो लोकसभा के सांसद हैं उनका क्या सस्पेंशन या निलंबन के मामले में कुछ कुछ नियम रखे गए ठीक है तो आप एक चीज बताओ कि निलंबन कैसे होगा निलंबन का कुछ क्राइटेरिया रहना चाहिए है ना तो किसी को वो क्या अभद्र टिप्पणी करेगा या कोई काम जो सही से दिया नहीं गया है वो करेगा तब उसको सस्पेंड किया जाएगा किसी भी मामले में लोकसभा वाला राज्यसभा वाला मामला छोड़ो अभी क्या बोल रहा हूँ किसी भी चीज में किसी भी व्यक्ति को निलंबित करना है तो क्यों निलंबित किया जाएगा काम नहीं करेगा सही ढंग से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा सही से है न जैसे कोई फाइल है जिसमें साइन करना है रोड वोड के लिए और उसको टाल दिया है डेढ़ दो साल के लिए तो उसको सस्पेंड किया जाएगा कि नीचे आ जाएगा क्योंकि वो लोक कल्याण की दृष्टि से क्या है खतरा है है ना तो इस हिसाब से क्या बोलेंगे यहाँ पे निलंबन करेंगे लेकिन किस कंडीशन में आप इसमें से एक याद रखना तरीका ए बी करके ठीक है क्या याद रखोगे ए बी किस कंडीशन में उसको निलंबन किया जाएगा ए बी ठीक है तो ए बी से क्या याद रखोगे ए से जो आएगा वो आचरण को लेकर के ए से क्या आचरण को लेकर के ठीक है और बी से क्या करेगा बाधा के लिए याद रखना क्या याद रखोगे आचरण और बाधा दो कंडीशन याद रखना किसी भी चीज को हम लोग क्या मतलब लोकसभा के जो सांसद हैं उनका निलंबन कर रहे हैं तो निलंबन करने के लिए किसी को अबे बोल देगा मतलब कुछ बोल देगा है ना तो अबे से क्या याद रखोगे ए बी ए बी अबे से क्या याद रखोगे ए बी तो ए से क्या याद रखना बोला हूं मैं आचरण और बी से क्या याद रखना बोला हूं मैं क्या बाधा क्लियर याद हुआ तो आप लोग को ये दो कंडीशन समझ में आ जाएगा फिर देखो क्या बोल रहा हूं तीन सौ चौहत्तर के तहत इसको क्या नियम के तहत ये लगाया गया है कि इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निलंबित कर सकते हैं ठीक है तो इस नियम में बोलता क्या है कि संसद का जो कोई भी सदस्य है वो सदन के कामकाज में लगातार और जानबूझकर क्या कर रहा है बाधा डालता है तो सीधा सीधा क्लियर वर्ड है कि बी से क्या याद रखेंगे बाधा किसमें बाधा काम काज किस में किसमें बाधा डालेगा काम काज में क्लियर समझ में आया ठीक दूसरा चीज क्या बोला मैं ए करके याद रखना तो ए से क्या अमर्यादित आचरण किसमें अमर्यादित आचरण ठीक तो निलंबन कैसे करेंगे ए बी करके ए बी से ए से क्या बोला बोलो बोलो अमर्यादित आचरण बी से क्या याद रखोगे बाधा किसमें बाधा काम काज ठीक समझ में आया ठीक अब क्या उसको किसी एक अवधि के लिए सस्पेंशन भी करते हैं तो क्या करते हैं अठारह महीने छह महीने चार महीने तीन महीने ये सब देखते हो ना तो जो स्पेशल महीना या जिस ड्यूरेशन के लिए उसको सस्पेंड किया जाएगा तो वो कौन करेगा अध्यक्ष करेगा कि इसको सस्पेंशन किसका अध्यक्ष लोकसभा का मामला है तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा राज्यसभा का जब मामला आएगा तो राज्यसभा के सभापति करेंगे है ना समझ में आया तो लोग सम्मन कर रहे हैं तो उसका डिसीजन कौन लेगा लोकसभा का अध्यक्ष पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक आगे बढ़े अब देखो लोकसभा वाला हुआ अब क्या क्या राज्यसभा देखेंगे राज्यसभा का निलंबन तो राज्यसभा का निलंबन भी क्या आधार क्या बनेगा ए भी। आधार क्या बनेगा ए बी ए मतलब क्या है आचरण को लेकर के और बी से क्या बाधा कौन सा कामकाज में बाधा तो इसका आधार समझ में आया आधार समझ में आया कि किस हिसाब से उसको सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन इसमें एक दो क्राइटेरिया और जुड़ेगा क्या है थोड़ा देखो सबसे पहला चीज क्या बोल रहा हूं मैं जो सस्पेंशन का ऑर्डर निकालेगा कौन निकालेगा सभापति किसी भी सदस्य को जिसका व्यवहार सदन के लिए क्या हो खराब हो और जानबूझकर कार्यवाही में क्या करता हो बाधा डालता हो उसको क्या किया जाएगा बाहर कर दिया जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्लियर समझ में आया ठीक किसके तहत करेगा 255 और 256 के तहत कौन से रूल 255 और 256 लोकसभा में किसका तीन क्या था लोकसभा का तीन राज्यसभा का क्या है 255 ठीक है हो गया ना चलो इसमें ये वाला देख लेना बाकी बस वही को घुमा के बोला है, है ना क्या बोला हूं मैं उसका आधार क्या रहेगा सबसे पहला चीज लोकसभा वाला देखो और राज्यसभा दोनों कंपेयर कर लेते हैं ठीक है लोकसभा में क्या इसका सस्पेंशन का ऑर्डर कौन देगा अध्यक्ष कौन देगा लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में कौन सभापति ठीक समझ में आया अब रूल कौन सा लगेगा इसमें तीन सौ चौहत्तर इसमें क्या है दो सौ पचपन छप्पन दो कंडीशन याद हुआ अब तीसरा क्या आधार रहेगा तो आधार में क्या आधार में क्या रहेगा ए बी ए से क्या उसका आचरण बी से क्या बाधा हुआ क्लियर समझ में आया अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यार है ना कि जैसे शिष्टाचार का वहां पे क्या करना है अब हम लोग क्या देख रहे हैं आचरण देख रहे हैं ना तो कौन कौन से आचरण होंगे जिसको नहीं करना चाहिए या शिष्टाचार क्या क्या होना चाहिए वो देखेंगे थोड़ा थ्योरी पार्ट है लेकिन काम का चीज है सब पॉलिटी से रिलेटेड है आप क्या करोगे उसको समझ सकते हो कि सीनारियो क्या बैठता है ठीक है समझ में आया ये आगे काम भी आएगा तो क्या बोल रहा हूं मैं देखो कहीं भी सेशन देखते होगे ना हम लोग के विधानसभा का सेशन देखते होगे कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ बोलते हैं तो वो लोग क्या खड़े होकर एकदम चिल्लाना चालू कर देते हैं है ना हम लोग के यहाँ तो उससे भी गंदा होता है सदन छोड़ के भाग जाते हैं देखे हो ना सुने हो ठीक है तो क्या नहीं करना चाहिए बोल रहा है कि जो सदन है उसमें बहस कर रहे हैं ठीक है बहस तो किए मर्यादित तरीके से करेंगे पहला चीज दूसरा चीज जो हम लोग बैनर पोस्टर लेके जाते हैं और वहाँ कागज जो दस्तावेज रहते हैं उसको फाड़ देते हैं ये सब वहाँ पे नहीं करना है तो ये क्या है शिष्टाचार के नियम के विरुद्ध है तो एकदम उसको आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि क्या नहीं करना है वहाँ पे शिष्ट आचरण का प्रयोग करना है और क्या बहस नहीं करना है बहस करोगे लेकिन मर्यादित ढंग से करोगे और जो दस्तावेज रहेंगे उसको क्या चिरफाड़ नहीं करोगे क्लियर समझ में आया और जैसे जिसका टाइमिंग रहेगा बोलने का देखते हो ना कि पर्टिकुलर किसी सदस्य को टाइम देते हैं तो टाइम देते हैं तो उस टाइम के बीच में क्या किसी को टोका टाकी नहीं किया जाएगा उसका सटीक एग्जाम्पल जया बच्चन देखे हो है ना तो वो जब बोलते रहती है तो किसी को भी कुछ भी बोल देती है है ना तो मतलब उस ड्यूरेशन में उसके टाइम में कोई कुछ नहीं बोलता देखे होगे तो देख लेना एक आध बार सर्च करके ठीक है क्या बोलना हो तो ये तीनों सिनारियों समझ में आया ना एक तो बहस करेंगे मर्यादित तरीके से करेंगे बहस का जिसको टाइम दिया जाएगा वो पर्टिकुलर वही टाइम में वही करेगा है ना और तीसरा चीज़ क्या जो दस्तावेज रहेंगे उसको चिरफाड़ नहीं करेंगे पढ़ लो देखो क्या बोल रहा है सांसदों को दूसरे के भाषण में बाधित नहीं करना चाहिए शांति बनाए रखना चाहिए पहला चीज क्लियर हुआ दूसरा चीज क्या बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए स्पष्ट तरीके से करेंगे है ना फिर क्या ये नियम का तो छोड़ो अभी क्या फिर नारेबाजी तकतियां दिखाना और दस्तावेज को फाड़ना ये सदन के लिए क्या सही कार्यवाही नहीं है तो शिष्टाचार वाले में समझ में आया कि सदन में शिष्टाचार कैसे का पालन करना चाहिए पहला क्या मर्यादित तरीके से बहस करना चाहिए बहस का जिसका टाइम दिया गया है वो अपने टाइम में करेगा उसमें क्या व्यवधान नहीं डालेंगे दो चीज समझ में आया तीसरा कंडीशन क्या है कि जो दस्तावेज रहेंगे उनको चिरफाट नहीं किया जाएगा क्लियर समझ में आया शिष्टाचार वाला याद हो रहा है ना अब देखो सांसदों का निलंबन कर रहे हैं ठीक है सांसदों का निलंबन कर रहे हैं तो ये निलंबन वाला देख लेना है ना तो निलंबन कर रहे हैं लेकिन पूछा क्वेश्चन क्या जाएगा कि अब हम लोगों ने तो समझ में आ गया कि सांसदों में सबसे पहले लोकसभा का निलंबन कैसे किया जाता है राज्यसभा का निलंबन कैसे किया जा सकता है समझ में आएगा ना अब वो पहला नाम पूछेगा कि कौन सा वो पहला व्यक्ति है जिसको इस नियम के तहत क्या किया गया है निलंबित किया गया है समझ में आया तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा यहां से बनेगा एक पॉइंट को समझाने के लिए आपको ये हिस्ट्री समझाना जरूरी था ठीक अब समझ में आया ना तो इसको हटाएंगे तो उसका आधार क्या रहेगा बताओ आचरण और उसका बाधा क्लियर समझ में आया तो उसका पहला व्यक्ति कौन है महुआ मोहित्रा क्या है महुआ मोहित्रा तो अब ये आचरण का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया क्यों क्योंकि महुआ वाला था क्या वाला था महुआ वाला था तो नाम याद हुआ महुआ वो पहला व्यक्ति था जिसको क्या किया गया है निलंबित किया, किया गया है ठीक पहला सांसद कौन है जिसको निलंबित किया गया है ठीक महुआ वाला था और क्यों था ये कैश ऑफ क्यूरी के मामले में क्या किया गया है इसको निष्कासित किया गया है क्या कौन से मामला कैश ऑफ क्यूरी ठीक तो महुआ कैसे मिलेगा कैश में मिलेगा है ना पे वाला सिस्टम तो गांव में कौन रखेगा यार तो महुआ वाला क्या कैश वाला महुआ कैसे मिलेगा कैश तो कैश आप क्यूरी के मामले में क्या किया गया इसको निष्कासित किया गया है याद हुआ सबको ठीक है हो गया ना चलो ये देख लेना बाकी अब देखो क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को क्या किया गया है रद्द किया गया है किसको राहुल गांधी क... अब ये क्या किया था बोला मैं टिप्पणी बाधा आचरण ये सब के मामले में क्या किया जा सकता है निलंबित किया जा सकता है है ना तो पहला व्यक्ति कौन था जिसको निलंबित किया गया था वह मोहित्रा किस मामले में किया गया था कैश ऑफ क्यूरी कैश ऑफ क्यूरी के मामले में दो फैक्ट याद हो गया ना अब देखो क्या राहुल गांधी को भी क्या उसकी सदस्यता को रद्द किया जाएगा तो मैं क्या बोला हूँ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए है ना तो ये क्यों किया था इसको देखो मोदी सरनेम को लेकर के ये क्या कर दिया था टिप्पणी ठीक है तो किसको बुरा लग गया जी सूरत के उच्च न्यायालय किसको बुरा लग गया ठीक अब उसमें क्या दिया गया कि इनको दो साल का क्या कारावास और पंद्रह हजार रुपया जुर्माना ये सजा दिया गया था है ना कौन सी धारा के तहत आईपीसी की धारा चार सौ और पांच सौ अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मेंस में इसी का क्लास चल रहा है सीआरपीसी और आईपीसी का अभी मत समझो जान लो बस याद करने के लिए फुल फॉर्म सीधा सीधा पाँच सौ वाला याद रखना क्या याद रखना है पाँच सौ ठीक तो चार सौ निन्यानवे और पाँच सौ के तहत इसको क्या किया गया है सस्पेंसन किया गया था याद हुआ राहुल गांधी एकदम बड़ा आदमी है ना तो बड़ा नोट रखेगा पाँच सौ वाला ठीक है तो चार सौ निन्यानवे और पाँच सौ कितने साल के लिए इसको कारावास दो साल के लिए और जुर्माना कितना पंद्रह हजार याद हुआ और क्यों किया गया था इसको मोदी सरनेम को लेकर के जो टिप्पणी उसके द्वारा किया गया था उसको लेकर के क्या अपील करेगा ये क्या है जी कोर्ट है अब ये जो है कहां परेगा अपील सुप्रीम कोर्ट जैसे इसका हायरे की समझते हो ना जैसे सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश फिर क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब जानते हो ना तो क्या कोई एक निचले वाला सेशन क्या कर सकता है अगले वाले सेशन को अपील कर सकता है है ना तो ये क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये अपील किया फिर क्या किया गया इस दो सिद्धि को क्या किया गया समाप्त कर कि ऐसे किसी को भी कुछ कैसे कर सकते हो करके दो दो साल मायने रखता है ना ठीक है तो क्षमा प्रार्थना कर लिया और ये मामला सुलट गया फिर लेकिन चर्चा में तो रहा समझ में आया तो सीनियो लोकसभा राज्यसभा सस्पेंशन फिर पहला व्यक्ति कौन वाला और एक जिसमें क्या समझे राहुल गांधी वाला ठीक हो गया संविधान से क्वेश्चन बनता है तो आपका क्या स्टैटिक पोर्शन तो पूछता ही पूछता है स्टैटिक पोर्शन कहने का मतलब क्या है जो चेंज नहीं होगा लेकिन उससे रिलेटेड क्या डायनेमिक क्वेश्चन भी पूछेगा आपको है ना तो राज्यसभा लोकसभा की सदस्यता आया ना तो आप लोग क्या धारा 79 से एट्टी ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दो क्यों क्वेश्चन बनेगा वहां से हर साल देखा गया है कि संविधान से जहां से डायनेमिक क्वेश्चन पूछा है सॉरी डायनेमिक क्वेश्चन जहां से पूछा है तो उसी का क्या स्टैटिक पोर्शन पूछता ही पूछता है संसद का गठन राज्यसभा है ना लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की अवधि ये वाला पूरा सिनेरियो 79 80 81 82 से ये वाला पोर्शन आप लोग क्या करना है एक बार रीड जरूर मार के जाना क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां से हैं और वैसे भी मैं आईएमपी टॉपिक आप लोग को नोट करवाया था जिसमें संघ और राज्य पढ़ना बोला था मैं याद है कि सब भूल गए यार ठीक अब देखो क्या संविधान संशोधन के मामले में देख लेते हैं कौन कौन सा हुआ ठीक क्या बोल रहे हैं संविधान संशोधन पहले ये संविधान संशोधन लिया कहा गया से है स्रोत क्या है इसका दक्षिण अफ्रीका याद है याद कैसे करोगे दक्षिण अफ्रीका को क्या एकदम चोकर्स बोला जाता है ना मतलब हर साल सेमीफाइनल में जाता है फाइनल नहीं पहुंच पाता हमेशा वर्ल्ड कप हार जाता है हमेशा हारता है ये शुरू से जब भी वर्ल्ड कप चालू हुआ है उसमें क्या करता है सुने हो जान तो नहीं रहे हो ना लेकिन जान लो कि वो लोग क्या, तो तो क्या, क्या किए अपने खेल में क्या संशोधन नहीं किए तो संशोधन नहीं किए इसीलिए क्या वही हाल अभी भी उनका बना हुआ है तो संविधान संशोधन वाला प्रक्रिया कहां से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका याद हुआ स्रोत वाला पढ़े होगे ना तो हर चीज का ऐसे स्रोत का ट्रिक है ट्रिक वाइज देखते जाना है ना कभी टाइम मिले तो बता भी दूंगा तो संविधान संशोधन वाला मामला क्या है दक्षिण अफ्रीका है ना ठीक समझ में आया संविधान संशोधन एक सौ तक पूरा है याद किए होगे? कि नहीं किए हो जानते हो किए हो तो अच्छी बात है है ना चलो सिनारियो याद नहीं होगा तो देखेंगे उसको अब क्या बोल रहा हूं मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का क्या यहाँ पे 2023 का क्या होगा यहाँ पे संशोधन किया जाएगा अब देखो ये क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मतलब समझते हो ना वहां पे क्या उपराज्यपाल की भी नियुक्ति होती है समझते हो ना बाकी जगह पे क्या राज्यपाल रहते हैं है ना लेकिन वहां पे क्या रहता है उपराज्यपाल तो मामला ये आया कि उप राज्यपाल तो है है ना लेकिन उसको कुछ अधिकार नहीं थे किसी भी चीज में स्व की शक्ति नहीं थी राष्ट्रपति की स्विवेक की राज्यपाल की स्विवेक की शक्ति पता है क्या क्या है वो उसकी स्व की शक्ति नहीं है मैडम विधायी शक्ति है 123 और 213 के तहत छोड़ो चलो ये सब मामला बाद में देखेंगे है ना समझाऊंगा सात से क्या याद रखना सात से सात स्वात से सात स्वास्थ्य की शक्ति और क्या वो शक्ति है उसको एकदम ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा क्लास खत्म होने दो फिर दो मिनट का चर्चा कर लेंगे ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं अभी उसका संशोधन करेंगे किसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंध में संशोधन करेंगे तो इसमें आगे पढ़ के एक मामला आएगा उपराज्यपाल का उपराज्यपाल का अस्तित्व ना के बराबर था तो क्या किया गया उसमें संशोधन करके कि जो कोई भी बिल है वो पेश होगा उसमें क्या उपराज्यपाल का भी वहाँ पे क्या सहमति लिया जाएगा पहले क्या किया जाता था उपराज्यपाल को स्किप कर दिया जाता था लेकिन संशोधन करके क्या किया गया है कि एक संवैधानिक प्रमुख है जिसका पोस्ट आप लोगों ने रखा है तो नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख क्यों बना रहे हो उनको भी तो कुछ भी अधिकार होना चाहिए है ना तो उस हिसाब से क्या किया गया जो बिल पेश होता था ना उसमें अब किसका उपराज्यपाल का आवश्यक हो गया था ये संशोधन किया गया है समझ में आया ये आगे चल के पढ़ेंगे लेकिन अभी क्या इसको थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रीय जो दिल्ली सरकार के बारे में है वहां का मामला हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो दिल्ली सरकार के बारे में क्या मामला है कि जो भारतीय संसद में दिल्ली सेवा विधेयक को पारित कर दिल्ली सरकार उन्नीस सौ इन गया बेसिक तौर पे क्या है दिल्ली सरकार का तीन चार दिल्ली का मामला हम लोग देखेंगे एक उपराज्यपाल के संबंध में देखेंगे एक क्या सेवा विधेयक के संबंध में मामला देखेंगे तो अभी कौन सा देखेंगे हम लोग सेवा विधेयक वाला आगे चल के क्या देखेंगे उपराज्यपाल वाला ठीक तो संशोधन किसमें किया गया है पहला बोलेगा तो क्या बोलोगे सेवा विधेयक पे पॉलिटी थोड़ा बहुत आइडिया है पढ़ा हो आप लोग कि कितना दिन से कितना दिन से क्लास नहीं हुआ हाँ चलो ठीक है तो क्या बोल रहा हूँ मैं सेवा विधेयक पे क्या बिल लाया गया और उसमें क्या किया गया संशोधन किया गया कौन से? सेवा विधेयक इसीलिए आप लोग का चेहरा थोड़ा डगमगाया हुआ है ना समझ में आ रहा है यार तो क्या देखो संशोधन किस लिए किया गया है लोक सेवाओं को दिल्ली विधानसभा के के दायरे से बाहर करने लिए ठीक है दो विधेयक इसमें लाया गया है बोला हूं मैं दो संशोधन किया गया है कौन कौन सा एक उपराज्यपाल के लिए और एक सेवा विधेयक किसके लिए एक सेवा विधेयक और एक उपराज्यपाल के ठीक तो क्या लोक सेवाओं को जो है वो दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर रखा गया किसके दायरे से कि जो सेवाएं होंगी उस पर विशेषाधिकार किसका नहीं रहेगा दिल्ली के विधानसभा का नहीं होगा कौन करेगा केंद्र सरकार क्लियर समझ में आई है ना तो जो दिल्ली विधानसभा के क्षेत्राधिकार से बाहर मामला है वो क्या लोक सेवकों का जो मामला है वो दिल्ली विधानसभा की पहुंच से बाहर रखा गया है क्लियर समझ में आया पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन किसके बारे में बोल रहा हूं मैं उपराज्यपाल दिल्ली के उपराज्यपाल को कई मामलों में पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान किया गया है पहले क्या किया जाता था इनको मैं बोला हूं कि कोई भी बिल आता था उसमें सहमति आवश्यकता नहीं थी लेकिन अब जो विधेयक आया हुआ है उसमें क्या बोलेंगे कि इनको विशेषाधिकार किया जाएगा प्रदान किया जाएगा ठीक उपराज्यपाल को केवल अपने विवेक पर मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता ठीक पहले क्या कर सकते हैं ये खाली पहले क्या कर सकते थे विधेयक पे कोई इनका राय नहीं पूछा जा सकता था अब क्या वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे परामर्श करेंगे कि इस विधेयक को क्या पारित करना है या नहीं करना है उसका सटीक एग्जाम्पल आपको दूं तो ये समझ में आएगा कि जैसे हम लोग के पास अभी उनका था जातिगत वाला मामला था कितना छिहत्तर परसेंट वाला मामला था सुने होंगे एक दो साल पहले की बात है शायद एक साल पहले की घटना उसमें क्या था छिहत्तर परसेंट का जो हम लोग का वो क्राइटेरिया था है ना आरक्षण का उसके मामले में विधेयक किसके पास गया था राज्यपाल कौन है अनुसुईया उयुके जो अभी कहा की राज्यपाल है मणिपुर वाला ठीक उनके पास जब विधेयक वाला मामला गया था तो वो क्या की थी रोक ली थी है ना तो उस कंडीशन में क्या हम लोग के यहाँ उपराज्यपाल था क्या नहीं था ठीक अगर वो उपराज्यपाल होते तो राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों क्या करते उस पे परामर्श करते और फिर किसको सूचना देते मुख्यमंत्री को ठीक अब वो कंडीशन समझ लो कि मान लो यहाँ पे उपराज्यपाल होता हम लोग के छत्तीसगढ़ में तो इनको क्या कुछ विशेषाधिकार नहीं दिया जाता ये क्या नाम मात्र के लिए बस पोस्ट पे बैठे रहते ये सिनारियों दिल्ली में पहले था लेकिन अब क्या किया गया इसमें चेंज ये तो निर्णय लेंगे ही लेंगे कौन राज्यपाल लेकिन उसमें किसकी सहमति आवश्यकता होगी उपराज्यपाल की सिनारियो समझ में आ गया कंफर्म हुआ अब देखो ये मामला पूरा वही है ठीक है पढ़ लेना इसको आगे उपराज्यपाल की स्थिति है ना सब वही है जो समझाया हुआ वही है समझ में आया इसमें संशोधन विधेयक में क्या हमेशा याद रखोगे दो चीज कौन सा एक सेवा विधेयक वाला याद रखोगे और दूसरा क्या उपराज्यपाल सेवा विधेयक वाला क्या रखोगे कि वो जो रूल बनाती है कौन विधानसभा कौन दिल्ली विधानसभा उस वाले रूल से इसको क्या किया गया है बाहर रखा गया किसको सेवा वी? सिविल सेवा विधेयक अधिनियम को कौन उसमें निर्णय लेगा केंद्र सरकार क्लियर कट समझ में आया पहला विधेयक क्या है दूसरा विधेयक के मामले में क्या था दूसरा सुधार क्या था कि उपराज्यपाल से संबंधित था उपराज्यपाल को केवल खाली क्या पोस्ट के लिए रखा गया था ठीक है उसको कोई विशेषाधिकार नहीं था लेकिन अब मामला क्या हुआ कि जो विशेषाधिकार है उसमें भी किसकी सहमति होगी अब कोई भी बिल आएगा तो उसमें किसकी सहमति आवश्यक होगी उपराज्यपाल <laughs> दो चीज समझ में आया ठीक है तो इसको देख लेना ठीक है अब चलते हैं कौन सा जम्मू कश्मीर वाला मामला आज देखेंगे कल चेहरा से समझ में आ रहा है तुम लोग के ठीक है जम्मू कश्मीर वाला मामला देखना इसका भी ओवरव्यू बता देता हूँ कल इसको पीडीएफ दे दिया हूं मैं में। थोड़ा ना इसको। क्या है देखो। मामला था तो इसमें क्या किया गया कि उसके लिए कुछ वैलिडिटी रखा गया कि हम लोग का ये तीन सौ सत्तर वाला जो मामला है वो हम लोग दो तीन साल टेम्पररी चला के देखते हैं सही रहेगा कि नहीं रहेगा करके है ना क्या बोल रहा हूँ मैं तीन सौ सत्तर वाले जो सुधार किए थे हम लोगों ने उसके लिए टेंड्योर रखा गया था कि दो तीन साल का कि अभी खाली क्या ट्राई ट्राई बॉल बॉल के के लिए लिए फेंकते हैं है ना तो ट्राइबॉल के लिए उसको फिर वैलिडिटी बढ़ाना था तो उस संबंध में क्या किया गया यहाँ पे बैठक किया गया कि उसका टेंड्योर जो है जो चल रहा है वो सही चल रहा है आगे बढ़ाते हैं अब वहाँ पे कोई प्रशासक नहीं था यानी राज करने वाला राजा नहीं था तो अब क्या करेंगे वहाँ पे चुनाव करवाएंगे क्या कराएंगे चुनाव तो पुराने विधेयक या पुराने नियम में क्या था किसी को भी रेंडमली क्या किया जा सकता चूज करके क्या वहां पे प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था लेकिन अब क्या किया जाएगा जैसे सब जगह पे चुनाव होते हैं वैसे अब जम्मू कश्मीर भी हमारे यहाँ का अधिकार क्षेत्र में आता है तो क्या करेंगे वहां पे भी चुनाव कराएंगे क्लियर सीनारियो समझ में आया कल इसको थोड़ा पढ़ के आना देख के आना है ना कल देखेंगे बाकी